हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। गाइस तो गाइस, आज मैं फिर एक नए वीडियो लेकर आया हूं। उस वीडियो में मैं यही दिखाऊंगा, जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पे फ्री डिश सेक्टर बॉक्स है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है ना कि ये हाई वोल्टेज के कारण इसका जो पावर बोर्ड होता है, जो पावर सप्लाई करता है, वो यहाँ पर ख़राब हो चुका है, उड़ चुका है, ठीक है। तो मैं इसे रिप्लेसमेंट करके दिखाऊँगा। अगर आपका भी सेक्टर फ्री डिश सेक्टर बॉक्स ख़राब हो जाए तो आप इसे रिपेयर खुद से कैसे कीजिएगा, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप खुद से रिपेयर कर कीजिएगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर में पावर बोर्ड रहता कौन है, होता कैसा है, उसके बारे में आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो जैसा कि मैं इसका नट पहले खोल चुका हूँ, ठीक है, तो मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ आपको। तो गाइस देखिए, ओपन करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इसमें सीन है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस ये पावर बोर्ड है, ठीक है, तो ये है, तो इसको आप रिप्लेसमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। आप मार्केट में जाइएगा, वहाँ पे बोलिएगा कि मुझे पावर बोर्ड चाहिए फ्री डिटेल, तो वो दे देगा, ठीक है। इस प्रकार का होगा और आपको इस प्रकार के रहेगा, ठीक है। इसमें भी बढ़िया क्वालिटी आता है, तो ये आपको बढ़िया क्वालिटी का, ठीक है। तो मैं इसी को लगाकर आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और कुछ इस प्रकार का आता है, जैसा कि पहले से इसमें लगा हुआ है उस पर, तो मैं आज ये लाया हूँ, तो आज मैं इसको लगा कर दिखाऊँगा, ठीक है। इसको लगाने के लिए सिंपल सा है कि आप आराम से इसको लगा लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ से इसको हटा लेना होगा, इसमें रहता है फंसा हुआ, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको हटा लीजिएगा। इसको हटाने के बाद में आप देखिए, इसमें वायर पहले से छूट चुका है, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का लगा हुआ रहता है, ठीक है, फंसा हुआ रहता है, तो इसको हटा लीजिएगा। तो मैं पहले से इसको हटा लिया हूँ, ठीक है। इसको और इसमें ये स्विच है, ठीक है, तो ये स्विच में आप लगा लीजिएगा। तो इसको क्या करना है ना गाइस, इसको अलग रखना होगा, ठीक है। इसको अलग रखते हैं और जो मैं मार्केट से किन के लाया हूँ उसको लगा देता हूँ, ठीक है। तो इसको लगाने के लिए आपको क्या करना होगा ना, आपको इसमें फंसा लेना होगा, ठीक है। तो दिखा देता हूँ, जैसे ये है और ऐसा ही बना हुआ है इसमें, तो आराम से इसको ये सुराख बना हुआ है उसमें लगा लीजिएगा यहाँ पे, और मैं यहाँ पे लगा लिया हूँ और इस साइड में भी लगा लेता हूँ, दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पर बढ़िया तरीक़ा से मैं लगा चुका हूँ, सब में फंस चुका है, देखिए यहाँ पर। तो अब इसको क्या करूँगा ना मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं अब इसमें लगाऊंगा, ठीक है, इसको मैं इसमें लगा देता हूँ, आराम से इसमें लग जाएगा। तो इसको आराम से आप इसको देखकर यहाँ पे फंसा लीजिएगा, तो देखिए ये अच्छा तरीके से यहाँ पे लग गया, ठीक है। अब इसका वायर कनेक्शन करना होगा, ठीक है, और यहाँ पे मेन पावर वायर है, उसको मैं यहाँ पे सोल्डिंग कर देता हूँ, ठीक है। तो ये वायर को आप, ये आपको ये है, ठीक है, तो इसी का ये वायर है, तो इसको आप यहाँ पे लगा लीजिएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस, देखिए इसको आप एक यहाँ लगाइएगा और यहाँ स्विच है, तो एक यहाँ लगाइएगा, ठीक है। और इसमें जो एक वायर है इसको यहाँ पे लगा लीजिए, ठीक है, ये मेरा कनेक्शन है, ठीक है। तो चलिए मैं फटाफट आपको इसको वायरिंग करके दिखाता हूँ, डिसोल्डिंग करके इसको वायर को करता हूँ, और उसके बाद मैं देखता हूँ क्या ये मेरा काम करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको कनेक्शन यहाँ पर समझा देता हूँ, देखिए यहाँ पर ये मेन तार है जो आपको बोर्ड में लगेगा, वहाँ पर एक कनेक्शन मैं यहाँ पर लगा दिया हूँ, और उसका जो दूसरा आता है वहाँ पे स्विच पे लगा दिया हूँ, ठीक है। और फिर स्विच का दूसरा छोर से जो आया है वो मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ, ठीक है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो यही कनेक्शन अगर आपके घर में ख़राब होता है फ्री डीटीएच, जो मतलब हाई वोल्टेज कारण उड़ जाता है, तो आप इसी प्रकार से आप एक पावर बोर्ड खरीद के लाइएगा और आप खुद से लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको बहुत सस्ते दामों। तो दोस्तों चलिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो मेरा वायरिंग जो किए थे, ठीक है, और बोर्ड को लगाए थे, तो वो तो लग चुका है। तो देखिए मैं जो लगाया हूँ यही बोर्ड है, तो चलिए इसको चेक करते हैं थोड़ा सा, क्या ये मेरा काम कर रहा है या नहीं, और यहाँ पे डीटीएच का डिस्प्ले है, इसमें लाइन आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, ये काम कर रहा है नहीं।
तो देखते, तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें यहाँ पे ये काम कर रहा है, ठीक है। डिस्प्ले में लाइट आया, देखिए यहाँ पे आपको दिखा देते थोड़ा करीब से। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ये वर्क कर रहा है। तो आई होप ये आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और आपको कुछ सीख मिला हो तो सब्सक्राइब बटन कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।